बोल शिव शंकर महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। सर्वेन्द्र गुणाभास सर्वेन्द्रे विवर्जितम् असक्त सर्ववृक्ष देव निर्गुण गुण भोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी असक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतः हम इंद्रिय कार्यों का प्रगट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतः निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मष रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेतास्तोत्र उपनिषद में पाणियों पादों जवनों परहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मक्षों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते। वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निरंकार नहीं है, उनके अपने नेत्र पांव हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ पांव नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मष ग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मष ग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद निग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे सारी समस्त
संपत्ति के स्वामी है और सारी शक्ति के स्वामी है। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण है। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद पर ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मक्ष ग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव हम निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। बहिरंत शक्षर भूतानां चर चरमेव च सूक्ष्मतवात् दविग्ये गिरे दूरसत चांतिके च तद्व। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। असीनो दूर ब्रजति शायनो याति सर्वत। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह ग्रह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ है। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस जगत में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या तवन्यत शक्य। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अभिभक्त च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभृतम च तत्रज्ञ ग्रेषणु प्रभु प्रभु विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन यह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि यह प्रत्येक जीवन का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्यम समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर से 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो वे सभी लोग यही कहेंगे कि वह अपने सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु स्वतंत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति
अनेक स्थानों पर होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीवन के जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कल्प जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जब भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में 71 सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और सहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती है। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानि जीवन्ति प्रत्ययत विषम विश्यन्ति तद ब्रह्म तजी जिज्ञासव। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ज्योतिमिषापीत ज्योतिषतमेस परमुच्यते ज्ञान ये ज्ञानमगमय हृदय सर्वस्य विशिष्टम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, श्रेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य के में सूर्य तथा या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अंत यह स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्ण तमस परसतांत, यह सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, तहम देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुर्मुक्षवरे शरणम प्रपगिच्छे। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक परम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदिन वांति मृत्यु मोहिति, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नेता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर स्वतंत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि
कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, जबकि श्री कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेता स्वर उपनिषद में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभु मीशान सर्वस्य शरणम बृहत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। इति क्षेत्रे तथा ज्ञान क्षरे चौंकत समासत मदक्त एतद्रिज्ञाय मदवायोपपशते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा क्षरे का संक्षेप में वर्णन किया है, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे सब भाव को प्राप्त होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भगवान के शरीर ज्ञान तथा श्रेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता श्रेय तथा जानने की विधि, ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष तो समझा जा सकता है, अंत इन्हें इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। इस भौतिक चेतना द्वारा संचालित तो होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना श्री कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब इस सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्ष्यों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानवीतव से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के शास्त्राओं अर्थात आत्म तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से लेकर 18 में अनादि मतपरम से लेकर हृदय सर्व से विशितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र शरीर जानने की विधि तथा आत्मा तथा परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतः ऐसे भक्तों के लिए
भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है, वे ही परम लक्ष्य है, अर्थात परमेश्वर श्री कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रकृति पुरुष चैव विद्या नांदी उपा उधावपि विकारांश गुणाश्रेव विधि प्रकृति संभव भवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उनके कार्यों का बोध करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई है और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध है अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुण्य कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का सही यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलत परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि वे जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक ही हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।